गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर ऑल फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। Classes of drugs and cosmetics prohibited from import. ऐसी drugs and cosmetics की category या classes which are prohibited from import. ठीक है, तो इसके बारे में हम further study करेंगे. So start करते हैं. Classes of drugs which are prohibited to import. तो कौन कौन सी क्लासेस, ड्रग्स की क्लासेस है विच आर फर्दर प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट. तो इसमें सबसे पहली चीज़, ड्रग्स विच डज नॉट फॉलोस द स्टैंडर्ड क्वालिटी, ड्रग जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा, एनी मिस ब्रांडेड स्प्यूरियस और एडल्ट्रेटेड ड्रग, कोई भी मिस ब्रांडेड या स्प्यूरियस एडल्ट्रेटेड ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स हो. और ऐसी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स विच रिक्वायर इम्पोर्ट लाइसेंस, और वो ड्रग का इंपोर्ट कर रहा है विदाउट सच लाइसेंस. मेन चीज़ तो ये, मीन्स ड्रग का इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ऑफ लाइसेंस होना चाहिए, और वो ड्रग का इंपोर्ट कर रहा है विदाउट सच लाइसेंस, तो ऐसी भी ड्रग्स क्या होना चाहिए, प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट. ठीक है. और दूसरी चीज़, जो स्पेसिफिक जो लेबल है, जो कंटेनर है उस ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स में होना चाहिए, और कंटेनर में तो स्पेसिफिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जो भी ट्रू क्वांटिटीज स्पेसिफाइड होना चाहिए. ठीक है. और एनी कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग एनी सच इंग्रेडिएंट्स जिसके कारण फर्दर वो अनसेफ हो फॉर ह्यूमन यूज, तो वो भी क्या होगा, कम्स अंडर प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट. और एनी ड्रग विच क्लेम्स टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल जे. ठीक है, तो ये भी क्या होना चाहिए, विच कम्स अंडर द कैटेगरी प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट. और क्या होना चाहिए, फर्दर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स विच डज नॉट फॉलो द स्पेसिफिकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, द स्पेसिफाइड क्वांटिटी, द ट्रू क्वांटिटी, और जो कि हमारे ह्यूमन के लिए अनसेफ हो या हार्मफुल हो, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट्स में आती हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या अदर कॉस्मेटिक्स और अदर ड्रग. ठीक है, चाहे वो एडल्ट्रेटेड ड्रग हो, मिस ब्रांडेड हो या स्प्यूरियस हो ड्रग और कॉस्मेटिक्स, चाहे उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी ना हो, चाहे उसको अगर वो इम्पोर्ट कर रहा है और इम्पोर्ट ऑफ लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास लाइसेंस परमिट लाइसेंस नहीं है, देन ऑल्सो दीज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट. ठीक. इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स परमिटेड अंडर लाइसेंस ओनली. ठीक है, तो एक लाइसेंस होना चाहिए तभी आप ड्रग का, और लाइसेंस क्या, लाइसेंस इंपोर्ट का होना चाहिए, क्योंकि मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ. आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
और यहाँ तो आप डील कर रहे हैं ड्रग से। सो फर्दर टू इम्पोर्ट एनी ड्रग यू शुड हैव ए स्पेसिफाइड लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट, लाइसेंस ऑफ इम्पोर्ट। तो इसमें क्या होनी चाहिए, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन, ठीक है, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, और ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन या टेस्ट फॉर एनालिसिस, ठीक, ड्रग्स जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल सी एंड सी वन, बायोलॉजिकल वैक्सीन सेरम, ड्रग्स जो स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल एक्स, और ड्रग्स विच कम्स फॉर एग्जामिनेशन या फिर उनका टेस्टिंग और एनालिसिस करने का है, ड्रग्स चाहे कि वो पर्सन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, आदर एनी न्यू ड्रग। तो दीज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स परमिटेड अंडर लाइसेंस ओनली, और लाइसेंस कैसा होना चाहिए, वो भी इम्पोर्ट ऑफ लाइसेंस, ठीक। अब इम्पोर्ट ऑफ शेड्यूल्स सी एंड सी वन, सी एंड सी वन, तो इसमें क्या आना चाहिए, सबसे पहला जो लाइसेंस सी है मींस लाइसेंस की ऑथराइज्ड पर्सन है, उसके पास जितना भी क्वांटिटी की ड्रग में स्टोरेज पहला होने चाहिए ही चाहिए, सो दैट ड्रग को प्रिजर्व करके रखा जा सके। दूसरा चीज, चूँकि वो इम्पोर्ट कर रहा है मींस सेलिंग कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो फर्दर दैट ऑल्सो रिक्वायर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, ड्रग कब किस डेट को सेल हो रहा है या डेट ऑफ इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशंस रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए ही चाहिए। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जब भी इंस्पेक्टर आपके उस प्रेमाइसिस को इंस्पेक्ट करना चाहता है, जांच पड़ताल करना चाहता है, तो डेफिनेटली अलाउ हिम टू इंस्पेक्ट दैट प्रेमाइसिस, ठीक है, और उसका भी हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। और अगर इंस्पेक्टर उसमें से कोई सैंपल लेना चाहता है फॉर एग्जामिनिंग या फिर एनालिसिस या फिर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए टू क्रॉस चेक दैट, तो हमें उस चीज़ को परमिट करना ही चाहिए, ठीक है। और लाइसेंसी और रिक्वेस्ट में कहा जाता है सल सप्लाई द सैंपल्स ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ऑल ब्रांच बैचेस टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर टेस्ट और एनालिसिस, ठीक। फर्दर इम्पोर्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स, तो शेड्यूल एक्स ड्रग्स में भी अब ड्रग को ही इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाइसेंसिंग के पास स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, और लाइसेंसिंग के पास क्या होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी के पास अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स होना चाहिए विथिन 30 डेज, ठीक है। The applicant is not satisfied within the decision may appeal to central government within 30 days। अगर मान के चलिए कि मेडिसिन की सप्लाई हो गई, हमने इम्पोर्ट करा लिया या इम्पोर्ट दूसरे देश से हो गया, तो उस केस में अगर मान के चलिए जिसने परचेस किया है और वो पार्टी उस ड्रग या कॉस्मेटिक्स जिस चीज़ को परचेस किया है उससे वो प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं है विद दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स जो भी जैसा भी है, या स्पेसिफिकेशंस और कंटेनर के जो लेवल्स हैं, सो फर्दर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ परचेस, ठीक है। अब इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज,
तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ पर्सनल यूज़ में क्या होता है कि पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए कि ड्रग्स शैल बी डिक्लेयर टू द कस्टम अथॉरिटी। जब पर्सनल यूज़ के लिए मंगाना चाहिए जाता है तो कस्टम अथॉरिटी के पास स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है, कि ये ड्रग हम यहाँ से यहाँ मंगा रहे हैं। दूसरी चीज़ उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है कि वो इट्सेल नॉट एक्सीड 100 डोजेस, 100 डोजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ड्रग जो होना चाहिए इट इज़ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। बेसिकली किसके लिए होना चाहिए, फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। और क्या होना चाहिए, द क्वांटिटी जितनी की हम इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मैसेज कन्वे होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, और आरएमपी आप सभी जानते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स, सो फर्दर इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स में चलेंगे तो हम देखते हैं कि पहली चीज़ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास इंपोर्ट ऑफ लाइसेंस होना ही चाहिए, बिना उसके ड्रग इंपोर्ट नहीं हो सकती है। नो न्यू ड्रग्स आर अलाउड टू इंपोर्टेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सिंग अथॉरिटी के सैंक्शन लेटर के बिना, ठीक है, कोई भी न्यू ड्रग्स को इंपोर्ट नहीं कराया जा सकता है। दूसरी चीज़, अब चूंकि इंपोर्ट ही हो रहा है तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री, वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए रिगार्डिंग इट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, उसकी प्यूरिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसमें उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स की डिटेल्स, एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड, ठीक है। अब ऑफेंसेस और क्या, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ लाइसेंस, ड्रग्स विदाउट लाइसेंस और परमिट, तो ऐसी ड्रग का इंपोर्ट विदाउट लाइसेंस और परमिट तो क्या हो जाता है, ड्रग्स अदर देन दोज डिस्कस्ड अबाउट, ऊपर जो हमने भी डिस्कस किया जो भी मैटर्स, तो उसके अलावा जो भी ड्रग्स अदर देन दोज डिस्कस्ड अबाउट मे बी इम्पोर्टेड विदाउट एनी परमिट और लाइसेंस, और उसको, ठीक है, जो जो डिस्कस किया था उसके अलावा जितनी भी ड्रग्स आ जाते हैं तो दे में भी इम्पोर्ट कर सक जाते हैं विदाउट एनी परमिशन और लाइसेंस, ठीक है, ठीक। और लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि कस्टम अथॉरिटी से डिक्लेरेशन होना चाहिए सो दैट दे comply with all the provisions of chapter 3 of the drugs and cosmetic act, ठीक है। अब offenses and penalties regarding report of drugs, तो पहली चीज offenses and penalties क्या है कि जो import हो रही थी, ठीक है, तो वो उसमें पहली चीज़ तो अनसेफ नहीं होना चाहिए, एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, स्प्यूरियस नहीं होना चाहिए, उसमें मिस ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एनी हाउ एडल्ट्रेशन या स्प्यूरियस या फिर अनसेफ हो रहा है फॉर यूज़, ह्यूमन यूज़, तो फिर उस केस में क्या होगा, जेल होगी। क्या होगी, जेल, वो भी कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और कितना फाइन लग जाएगा, विथ फाइन अप टू 5,000 और बहुत ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहले कन्विक्शन में मिनिमम 5,000 या फिर मिनिमम 3 आवर्स की इम्प्रिजनमेंट जेल होगी, ठीक है।
और एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years और विथ अप टू ₹10,000 और बहुत ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। ठीक है, और क्या होना चाहिए? इम्पोर्ट ऑफ एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स द इम्पोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10। और सेक्शन 10 के अंदर में कौन कौन सी ड्रग के इम्पोर्ट, ड्रग और कॉस्मेटिक्स के इम्पोर्ट को प्रोहिबिट किया गया है? तो सबसे पहली चीज को जाता है पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन अप टू 500। तो ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहले कन्विक्शन में सिर्फ छोटा सी सजा होती है 6 महीने के लिए, या फिर विथ फाइन, और या तो फिर उसमें फाइन दे दो ₹500, तो भी छोड़ सकते हैं। फिर क्या जाता है, फिर धीमे 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 6 महीने से 1 महीने के लिए पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। ठीक है, जेल में रहना पड़ेगा। ठीक, इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, इम्पोर्ट ऑफ एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, तो ये फर्दर क्या हो जाती है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, प्रोहिबिटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, तो पहली चीज तो 3 years की आपको जेल हो जाएगी, एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और विथ फाइन अप टू 10,000 और बोथ ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों ने समझ में हो गया क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट। तो आप लोगों के समझ में आया कि ऐसी ड्रग्स जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करे, जो स्पूरियस हो या एडल्ट्रेटेड हो या मिसब्रांडेड हो, तो वो क्या चीज़ें हैं? एवरीथिंग प्रोहिबिटेड ड्रग्स। ठीक है, क्या है? प्रोहिबिटेड ड्रग्स। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली टेक केयर, वेल विशेस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।